ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू राइटिंग बुक एंड हिंदी राइटिंग बुक पेज नंबर 8. इन पेज नंबर 8 टुडे वी विल डू तीन अक्षर वाले शब्द. आज हम करेंगे स्टूडेंट तीन अक्षर वाले शब्द. दो वाले हम जो है कर चुके, तो आज हम तीन अक्षर वाले करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पिक्चर देखिए कौन सी है. यस, बतख. ब त ख बतख. ओके, ये तीन वर्ण थे हमारे, ब त ख बतख. तीनों वर्णों को मिला के हमारा शब्द बना. क्या बना? यस, बतख. तो यहाँ हम राइट करेंगे ब त ख बतख. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए क्या है. मटर. वेजिटेबल्स बनाते हैं ना मटर की, तो देखिए पहला वर्ण क्या है मटर में, म. सेकंड क्या है, ट. और थर्ड क्या है, र. अब ये तीनों वर्ण को मिलाकर हमारा वर्ड जो बनेगा वो हम यहाँ राइट करेंगे म ट र मटर. ओके, और नेक्स्ट क्या है, कलश. क ल श, तीन वर्णों को मिला के हमारा शब्द बनेगा कलश. तो यहाँ हम राइट करेंगे क ल श कलश. ओके, और नेक्स्ट क्या है, नमक. न म क नमक. तो यहाँ हम राइट करेंगे न म क नमक. इस तरह से स्टूडेंट और भी जो आपको तीन शब्दों वालों के वर्ण दिए गए हैं आपको उनको मिलाकर शब्द बनाना है और आपको उन्हें यहाँ राइट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे स्टूडेंट हम करेंगे चार अक्षर वाले शब्द. ओके, जो हमने एलकेजी में भी किए ही हैं. तो यहाँ देखिए फर्स्ट पिक्चर जो है हमारी क्या है, अदरक. तो ये देखिए किन किन से मिलके बना है अदरक शब्द, अ द र क अदरक. तो यहाँ हम राइट करेंगे अ द र क अदरक. और नेक्स्ट क्या है, कटहल. वेजिटेबल्स में आती है ना कटहल, तो देखिए ये किन किन वर्णों को मिलकर बना है ये शब्द, क ट ह ल, इन वर्णों से बना है. तो यहाँ हम राइट करेंगे इसको शब्द को एक साथ, क ट ह ल कटहल. और नेक्स्ट क्या है, अजगर. ओके, अजगर देखा है आपने कभी, तो यहाँ हम राइट करेंगे अजगर शब्द, अ ज ग र अजगर. और नेक्स्ट क्या है, पनघट. यहाँ हम राइट करेंगे प न घ ट पनघट. इस तरह से स्टूडेंट आपको हिंदी बुक में पेज नंबर 8 और 9 जो आपको स्पीक आउट करते हुए राइट करना है. नाउ इंग्लिश राइटिंग बुक एंड पेज नंबर 12. इसमें हम स्टूडेंट टू लेटर वर्ड्स कर रहे थे, तो हम कुछ और टू लेटर वर्ड्स राइट करेंगे. फर्स्ट है ए यू, तो यहाँ हम पहले ट्रेसिंग में राइट करेंगे ए यू. नेक्स्ट क्या है, ए वी. एंड नेक्स्ट इज ए डब्ल्यू. एंड नेक्स्ट इज ए एक्स. ओके, अब आपको जो है विदाउट ट्रेसिंग यहाँ राइट करना है. आप मम्मा की हेल्प से यहाँ पर डॉट लगवाओगे, ठीक है, फिर आपको ये राइट करना है ए यू ए वी ए डब्ल्यू एंड ए एक्स. इस तरह से आपको और भी जो है टू लेटर वर्ड राइट करने हैं. और नीचे जो है आपका क्या है, पहले हम ट्रेसिंग पे राइट करेंगे ए जी ई ए ई बी एंड ई सी. अब आपको विदाउट ट्रेसिंग करना है डॉट लगाकर यहाँ पर, ठीक है, मम्मा की हेल्प से डॉट लगवाकर आपको करना है ए जी ई ए ई बी एंड ई सी. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13 पे आपको राइट करना है. नाउ मैथ्स राइटिंग बुक. मैथ्स राइटिंग बुक में स्टूडेंट अब तक हम जो है कंसेप्ट कर चुके थे, हमने लास्ट पेज पे किया था मोर एंड लेस वाला. ओके, आज हम करेंगे पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 में हम एक्सरसाइज करेंगे नंबर्स 1 to 10 की. ओके, ड्रॉ डॉट्स टू मैच द नंबर्स एज शोन. यहाँ पर आपको देखो टमाटो की पिक्चर्स दी गई हैं. ओके, और यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं. आपको देखिए यहाँ पर 5 नंबर्स है, तो यहाँ पर आपको कितने ड्रॉ करने हैं डॉट, 5. ओके, देखिए 5 डिजिट है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है 1, 2, 3, 4 and 5. 5 डॉट ड्रॉ किए हुए हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या डिजिट है हमारे पास, 8. ओके,
तो आपको कितने यहाँ पर ड्रॉ करने डॉट? यस, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस तरह आपको 4 और 6 भी डॉट जो है आपको ड्रॉ करने हैं. ओके, मैच द फ्लोइंग. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पर आपको डिजिट राइट किए हुए हैं. आपको पिक्चर को, जो भी पिक्चर है वो कितनी क्वांटिटी में है उसका आपको काउंट करना है. आफ्टर देन आपको डिजिट से मैच करना है. दीज आर मैंगोज. ओके, हाउ मैनी मैंगोज? काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5. दीज आर 5 मैंगोज. ओके, नाउ सर्च इट. वेयर इज डिजिट 5? 2, 7, 6, 3, 5. अब 5 मैंगोज को हम 5 डिजिट से क्या कर देंगे? मैच. ओके, एंड नेक्स्ट इज आइसक्रीम. दीज आर आइसक्रीम कॉन्स. ओके, नाउ काउंट इट. हाउ मैनी कॉन्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाउ मैनी कॉन्स, आइसक्रीम कॉन्स? यस, 8. So now search it. Where is digit 8? 2, 7, 6, 3, 5, 8. Now अब आपको क्या करना है, आइसक्रीम 8 कॉन्स है उनको 8 डिजिट से क्या कर देना है? मैच. इस तरह से और भी जो पिक्चर्स हैं आपको उन्हें क्या करना है? डिजिट से मैच. ओके स्टूडेंट.